மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய நிறுவனத்தில் மத்திய அரசால் நடத்தப்படும் திட்டங்களை செயல்படுத்துவது தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மத்திய அரசின் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை அமைச்சக மத்திய அமைச்சர் டாக்டர் வீரேந்திரகுமார் அதிகாரிகளிடம் திட்டங்கள் குறித்து கேட்டறிந்தார். சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை முட்டுக்காட்டில் இயங்கி வரும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊனமுற்றோரின் மேம்பாட்டிற்கான தேசிய நிறுவனமானது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பல வகை சேவைகளை செய்து வருகிறது. இந்நிறுவனத்தில் மத்திய அரசால் நடத்தப்படும் திட்டங்களை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் செயல்படுத்துவது தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் மத்திய அமைச்சர் டாக்டர் வீரேந்திரகுமார் தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் ராகுல்நாத் மற்றும் துறை சார்ந்த மாவட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு அமைச்சக பணிகள் எவ்வாறு செயல்படுவது என்பது குறித்து மத்திய அமைச்சர் கேட்டதற்கு அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்தனர். முன்னதாக மத்திய அமைச்சர் இந்நிறுவனத்தை பார்வையிட்டு அனைத்து விதமான செயல்பாடுகள் குறித்து நிறுவனத்தின் இயக்குநர் நச்சிகேதா ரவுடிடம் கேட்டறிந்தார். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேவையான உதவி மற்றும் உபகரணங்களையும் மத்திய அமைச்சர் வழங்கினார். நிபிட் சென்டர் கே आज के इस निरीक्षण अवसर पर यहाँ पर डिसेबिलिटी के क्षेत्र में जो अलग अलग तरह की गतिविधियों के माध्यम से जहाँ एक उनके उपचार की और उनके जीवन में सुगम्यता लाने का जो कार्य इस सेंटर के द्वारा किया जा रहा है उसका निरीक्षण किया गया। यहाँ पर आने वाले लाभ लेने के लिए आने वाले इलाज कराने के लिए आने वाले जो बच्चे हैं सामान्य लोग हैं उन सब से भी और उन बच्चों के साथ में जो पेरेंट्स आए उनके साथ में भी बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो इनका इलाज करने वाले प्रशिक्षण देने वाले हैं प्रशिक्षण लोगों से उनसे भी बातचीत की। स्विमिंग पूल वाटर के माध्यम से और एक नया प्रयोग यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी हमारे जो देश में अन्य स्थान है मंत्रालय के उन स्थान पर प्रारंभ नहीं हुआ है और एक बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ से शीघ्र प्रारंभ होने वाली है। ये एक अच्छा प्रयोग हमारे इस केंद्र के डायरेक्टर महोदय जी के द्वारा और उनके सहयोग के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। देश के अनेक स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त होता रहता है। ये केंद्र वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर 15 वर्ष के बाद भी इसका मेंटेनेंस करने के प्रति जहां सजगता है वहीं हमारे केंद्र पर आने वाले इस केंद्र के प्रति जो विश्वास का भाव लेकर आने वाले हमारे डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए हम बेहतर से बेहतर सेवाएं कैसे दे सकते हैं ये भाव उससे भी बड़ा है। डीसी साहब के साथ में और विभागों के अधिकारियों के साथ में जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं उन केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की भी समीक्षा यहां पर की गई। अब वो योजनाएं चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो जल जीवन मिशन हो छात्रवृत्ति की योजना हो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हो इन सभी योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से एक और जहां जिले में चल रही गतिविधियों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ वहीं पर योजनाओं के संबंध में समय सीमा निर्धारित करके जो काम पेंडेंसी रह गया उसको समय सीमा में करने के लिए भी निर्देशित किया गया। एक अच्छी शुरुआत इस बैठक के माध्यम से संवाद और संपर्क के माध्यम से जहाँ निपेट के अधिकारियों के साथ में वहीं जिले के अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ में चर्चा करने के दौरान सामने आई। नवरात्रि का पर्व चल रहा है नवरात्रि के पर्व के कारण छुट्टियां चल रही हैं आगे जब आना होगा तो हमारे चाहे वो विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की योजना का स्थल निरीक्षण करना हो या आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाकर आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को वहाँ पर किशोरी बालिकाओं को गर्भवती बहनों के लिए योजना जिस उद्देश्यों को लेकर चलाई जा रही है वो योजना से कितना लाभ
क्षेत्र के हमारे बच्चों को बहनों को मिल रहा है उसके बारे में भी, आयुष्मान भारत योजना के भी लाभार्थियों से संवाद करके कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना इस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी कि हमारे देश के ऐसे गरीब लोग जिनके घर में अगर गंभीर रूप से बीमारी आ जाए, किसी को किडनी कैंसर या हार्ट की बीमारी हो जाए, लाख दो लाख चार लाख रुपए का खर्चे का एक गंभीर संकट खड़ा हो जाए,